नमस्कार दोस्तों, मैं एट द रेट चिया कुकिंग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड रोल। ब्रेड रोल के लिए मैंने 5 आलू ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह मैं पानी से वॉश करूंगी। वॉश करके इनमें थोड़ा पानी डाल के 2 विसल लगा के इसको पका लूंगी। साथ ही जो स्नैक में डाला जाएगा वो सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अमचूर, थोड़ी सी अजवाइन, भुना हुआ जीरा पाउडर, 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन कुटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी चाहिए, इसी के साथ चाट मसाला और ब्लैक पेपर। उसके साथ ही हमें चाहिए 2 प्याज बारीक कटी हुई और 1 ब्रेड का पैकेट। ये देखिए मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं और मैंने इसको छील के रख लिया है। अब मैं इसको मैश कर लूँगी। साथ ही मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें रिफाइंड तेल गरम करने के लिए छोड़ दिया है। इतने मेरे आलू का पेस्ट तैयार होगा मसालों के साथ, इतने हमारा ये तेल गरम हो जाएगा। अब ये देखें मेरे ये आलू अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें अपने मसाले डालना शुरू कर दूंगी। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर किसी को तड़के वाले आलू करने हैं तो मेरा जो पहले रेसिपी थी जो मैंने सैंडविच के लिए तैयार किया था वो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं घी में तड़का लगा के। बट हमारे यहाँ पे मेरे बच्चे जो सैंडविच पसंद करते हैं वो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो मैंने ये प्याज कट की थी तो इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए मैंने सारी प्याज इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद मैं ये लहसुन इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके बाद ये हरी मिर्च जो मैंने काटी थी इसको मैं थोड़े क्वांटिटी में लेके इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये अपने स्वाद अनुसार ही डालना। इसके बाद जो मैंने अजवाइन लिया था मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, मैं थोड़ी सी अजवाइन यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं भुना हुआ जीरा 1 चम्मच छोटी ऐड करूँगी। इसके बाद मैं अजवाइन पाउडर 1 स्पून इसमें ऐड करूँगी, नमक अपने टेस्ट के अनुसार, हल्की सी लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार, हल्का सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च। अब इसके बाद मैं इस जो हमने इसमें सामग्री डाली थी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसको हल्का सा खटास देने के लिए मैंने इसमें अमचूर पाउडर मिक्स किया है। और जिसको मिर्च ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा मिर्च भी ऐड कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब मैंने एक प्लेट में 4 ब्रेड ले लिए। अब मैं इस ब्रेड को हल्का सा पानी में डिप करूँगी। याद रहे आप ज़्यादा पानी में इसको डिप मत करना, नहीं तो ये टूट जाएगी। अब मैंने इसको डिप कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह ब्रेड को निचोड़ लूँगी इस तरीके से। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, याद रखिएगा इसमें पानी ना रहे। ये देखिए मेरी ब्रेड बिल्कुल सूख चुकी है और इसका पानी मैंने निचोड़ के निकाल। ये ब्रेड हो चुकी है, आप चाहे तो इसके कोने भी निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें अपने आलू का पेस्ट फिल करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें अपने आलू का पेस्ट फिल कर दिया है। अब मैं इसको धीरे धीरे फोल्ड करूँगी इस तरीके से। ये देखिए मेरा ये फिल हो चुका है और मैंने इसको बंद कर दिया है। इसको अच्छी तरह बंद कीजिए, नहीं तो ये टूट के तेल में आपका बिखर जाएगा, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह फिल कर लिया है। और ये देखिए इस तरीके से आपको सब ब्रेड में आलू को भर के और इसको बंद करना है।
अब ये देखिए मैंने इन सब में भर लिया है और इसको अच्छी तरह बंद कर दिया। याद रहे इसको अच्छी तरह बंद करना है, नहीं तो आपका ब्रेड रोल खराब हो जाएगा। ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इस ऑयल में धीरे धीरे अपने ब्रेड जो हमने फिल किया था उसको डालूंगी। इसको बिल्कुल धीरे धीरे ही डालिएगा। ये देखिए मेरे ब्रेड रोल हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए मेरे ब्रेड रोल ब्राउन हो गए हैं, भूरा हो गए हैं। अब इसको कुरकुरे करने के लिए मैं गैस थोड़ा सिम पे कर देती हूँ ताकि ये कुरकुरे बने। और जब ये पूरी तरीके से हमारे सुनहरी हो जाएंगे तो हम इसको निकाल के इस टिश्यू पेपर पे रख लेंगे ताकि ये टिश्यू पेपर इसका जो ऑयल है वो ऑब्जर्व कर ले। ये देखिए मेरा ब्रेड रोल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी जिसमें मैंने टिश्यू पेपर लगाया था। ये देखिए ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी है, मैंने इसको टिश्यू पे निकाल लिया है टिश्यू पेपर पे। अब ये जब हम देंगे तो हम इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए मेरे ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी है, मैंने इसको सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं धनिया की चटनी के बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये पसंद हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसके बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो या मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।